घाट पर ही आपको ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं और ये हमारी माता रानी और आदि अनंत है। यहाँ पे तो फिर बोल सकते हैं आप कि 33 कोटि देवी देवता का वास यही है। और ये गंगा जी का मंदिर है तो इसके मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। बहुत सुविधा है यहाँ पर, आपको प्योर वेज मिलेगा बिना लहसुन प्याज का मिलेगा और इस तरीके की दुकानें मिल जाएंगी, कपड़ों की है, मालाएं। हर हर गंगे, जी हाँ हर हर गंगे, इसलिए बोला कि मैं आज देवभूमि से आपका जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं देवभूमि हरिद्वार और यहाँ पर आए हैं हम गंगा आरती देखने। तो ये है हमारी गंगा मैया और ये है हरिद्वार का व्यू। काफ़ी इन्होंने जो है इसी गंगा मैया को काफ़ी साफ कर दिया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, भीड़ काफ़ी हो रखी है और ये देखिए। तो घाट पर ही आपको ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं और ये हमारी माता रानी और हर हर महादेव। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं। दिल्ली से ये 250 किलोमीटर पड़ता है हरिद्वार, और अगर ट्रेन से भी आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ट्रेनें आती हैं, बस से भी आप आ सकते हैं। और अपनी कन्वेंस से जैसे मैंने बताया 250 किलोमीटर है, पार्किंग भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये सामने आप देख रहे हैं ये सारी जो हैं धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है तो बहाव का जो है वो थोड़ा तेज़ है बहाव यहाँ पर, लेकिन जो नहाने का है वो अरेंजमेंट इन्होंने अच्छा करा हुआ है, चारों तरफ पाइप लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वो देखिए सामने वो घर की पैड़ी है, घंटा घर भी दिख रहा होगा आपको। देश विदेश से लोग यहाँ पर मेन जो है यहाँ की संध्या आरती देखने आते हैं। और ये जो इसकी कहानी है गंगा मैया की, कहते हैं कि यहाँ पर जो है जब अमृत मंथन हुआ था तो कुछ बूंदे जो है यहाँ पर भी गिरी थी। तो मंदिर कौन कौन से हैं भैया यहाँ पर? माँ गंगा जो मंदिर है मुख्य स्थान है, माँ गंगा ही है। अच्छा, जो बहता जल है माँ गंगा का। हाँ। उसके बाद मुख्य स्थान यहाँ माँ काली का मंदिर है, रामदेव का मंदिर है, साक्षेश्वर महादेव है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे मनसा देवी है, चंडी देवी है, माया देवी है, दक्षेश्वर महादेव भी है, दक्षिण मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है, आदि अनंत है यहाँ पे। तो फिर बोल सकते हैं आप कि 33 कोटि देवी देवता का वास यही है, ठीक है। गंगा की।
आरती शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो है आरती। काफ़ी होती है ना, आप देख ही सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी इस तरीके से डिस्प्ले लगाई हुई है ताकि लोगों को आसानी से इस डिस्प्ले पे जो है गंगा मैया के दर्शन हो सके, आरती हो सके। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हुई हैं यहाँ पर, और ये पूरा दृश्य है हमारी हर की पैड़ी का। कर सकते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पर ये जो है फूलों की ये थाली सी मिल जाए। क्या कितने का है ये भैया? ये देखिए 100 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो आप उसके अनुसार यहाँ पर जो है ये जोत बत्ती देते हैं, वो आप जला के गंगा मैया पे चला सकते हैं। और ये गंगा जी का मंदिर है, तो इसके मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, ये गंगा मैया मंदिर है, तो उसके भी दर्शन कर देती हूँ। ये गंगा मंदिर, गंगा माता का मंदिर था, इसके दर्शन मैंने आपको कराए। और आप वहाँ पर जो देख रहे हैं वो है मनसा देवी टेम्पल है, जहाँ पर वो लाइट जल रही है वो मनसा देवी टेम्पल है। और ये जो है ये अभी नया बना है कि यहीं से आरती होती है, तो ये मेन मंदिर है। ये देखिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। दृश्य है बहुत ही सुंदर है। अभी अभी आरती ख़त्म हुई है और सभी लोग जो हैं सबने आरती हो गई है, और ये मेन दृश्य है। ये तो ये मंदिर घंटाघर है ब्रह्मा जी का और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और ये वही दिए हैं जिनसे अभी अभी आरती हुई थी। तो देखिए, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट लगती है, और खाने पीने की भी बहुत सुविधा है यहाँ पर। आपको प्योर वेज मिलेगा बिना लहसुन प्याज का मिलेगा, और इस तरीके की दुकानें मिल जाएंगी, कपड़ों की हैं, मालाएं हैं, और आरती का सामान, पूजा का सामान जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा बाज़ार जो है ये भर के चलता है, और यहाँ पर आपको होटल, धर्मशालाएं सब जो है आपको अपने रेट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आपको जिस रेट में चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी।
ब्लॉग जो था मैंने आपको दिखाया। तो आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे